नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। अलीगढ़ के दहली गेट के शाहजमाल की पुरानी ईदगाह पर लगे हुए तालों को पुलिस के द्वारा ताले तोड़ने और दूसरे गेट को तोड़ने की कोशिश के आरोप लगे हैं। मस्जिद में सो रहे युवक का आरोप है कि देर रात पुलिस ने ताले तोड़कर ईदगाह में प्रवेश किया था। ईदगाह में रहने वाले युवक ने पुलिस पर सोते में मारपीट का भी आरोप लगाया है, जिससे लोगों में आक्रोश व्याप्त है। अलीगढ़ में एक बार फिर हालात तनावपूर्ण होने से बच गए हैं। आलाधिकारियों के द्वारा स्थिति पर जल्द काबू पा लिया गया। दरअसल बीती रात में थाना दहली गेट इलाके स्थित ईदगाह में रात्रि में पुलिस द्वारा गेट को तोड़कर प्रवेश करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। मस्जिद पर मौजूद चौकीदारी करने वाले युवक के द्वारा बताया गया है कि पुलिस के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है और मस्जिद के अंदर गाली गलौज की गई है और गेट को तोड़ने की कोशिश की गई। इसके बाद पुलिस वहां से चली गई। इस मामले की जानकारी जब स्थानीय लोगों को हुई तो उन्होंने विरोध जताया और माहौल गर्मा गया। धीरे धीरे लोग ईदगाह की ओर इकट्ठा होने लगे। उसके बाद शहर मुफ्ती को सूचना दी। शहर मुफ्ती ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया और उच्च अधिकारियों से बात करने की बात कही है। वहीं घटना की जानकारी पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया। फिलहाल माहौल न खराब होने देने के लिए मौके पर कई थानों का फोर्स मौजूद है। वहीं पूरे मामले पर एसपी सिटी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि असामाजिक तत्वों के द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। पुलिस के द्वारा किसी भी तरह की मारपीट नहीं की गई है। यहाँ एक अरसे से मस्जिद की तामीर हो रही थी, लेकिन गुज़िश्ता कई महीनों से काम बंद था। ये लोग मेरे पास गए थे, मैंने कहा जब तक के आपके बाकायदा नक्शा वक्शा पास न हो जाए उस तक इसके एक काम को रोका जा करें। लिहाजा मेरी इतला के मुताबिक यहाँ कोई काम नहीं था। ये लोग जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गुज़िश्ता रात को पुलिस यहाँ आई और उसने कुछ छेड़छाड़ भी की इस फाटक के साथ, और मशीन में सो रहे चौकीदार को जो यहाँ पर रह देता है इसको उन्होंने मारा पीटा है। इसकी कुछ निशान ना थी। नाम क्या है इसका मारा पीटा गया है? इसका नाम अब्दुल समद नाम बता रहा है अपना। कहाँ से आए हैं यहाँ पर? मोहल्ले की मशीन मोहल्ले की। बाहर यहाँ पब्लिक से ये कहूँगा कि लोग अपने घर जाएँ। कल रात को यहाँ पे सोए हुए थे, कुछ पुलिस वाले आए थे अंदर। मुंह पे हमारे चेहरे पे लिया फोड़ हुआ था, मैं उसमें लादा मारी थी मुंह पे आगे, मारपीट करी है। किसलिए आई थी पुलिस? पुलिस मुझे नहीं मालूम चला कुछ भी, किसने आई थी। यहाँ पे भी मेरे चोट आई है और इधर भी चोट आई है। और गेट तोड़ा था ये वाला आगे, यहाँ पे पुलिस के साथ पूरा फोर्स था। गेट किस तरीके से तोड़ा गया है? ये महावली थी उनके पास। कितने लोगों के साथ मारपीट की गई है? दो साल से बात हुई थी, आया हुआ था उसके बाद। मैं तो सो रहा था, सोच में मुंह पे लात मारी थी, मेरे जूते पहने हुए थे, वो अंदर आ गए थे मस्जिद के। कौन थे? पुलिस वाले थे। क्या कह रहे थे? कह रहे कुछ नहीं थे, गालियां वक्त हुए अंदर आए थे। ये कैदे बननी है मस्जिद यहाँ पे दोबारा, कम रात में कैदे चालू हो गए। कह जन थे पुलिस वाले? पूरा फोर्स था उनके, पूरा फोर्स था। कितने बजे की बात है ये? रात को 12-11 बजे की बात है। ये कहाँ पर आए थे वो? पुरानी ईदगाह। पुरानी ईदगाह में? आज सुबह थाना दहली गेट में शाहजमालपुर में असामाजिक तत्वों ने माहौल ख़राब करने के उद्देश्य से यह अफवाह फैलाई कि पुलिस द्वारा एक निर्माणाधीन मस्जिद जिसमें स्टे था उसमें पहुंचकर तोड़फोड़ की गई है, जो कि असत्य और निराधार है। इस अफवाह के वजह से काफ़ी लोग वहां पे जमा हुए। पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची और इस चीज़ का खंडन किया और लोगों को इस बारे में जानकारी दी कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। अभी सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में है और जिन लोगों ने भी ये असत्य अफवाह माहौल ख़राब करने के उद्देश्य से उड़ाई है उनकी पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त सजा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।